और सेंटेंस लिखो, कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 इयर्स एगो। सेंटेंस दे रहा हूं, आप लिखो कोलंबस, ये देखो कोलंबस खालिस्तान, ब्रैकेट में लिखो डिस्कवर, डिस्कवर यानी खोज करना, डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका अबाउट, अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो। देखिए आप क्या लिखा है मैंने, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो, यानी कोलंबस ने अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज की थी लगभग आज से 500 वर्षों पहले, 1492 1498 वास्को डी गामा इंडिया, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि कोलंबस डिस्कवर अमेरिका अबाउट 500 इयर्स एगो, यहां पर एगो शब्द को आपको पकड़ना चाहिए और इसके आधार पर आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहिए, और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए डायरेक्ट किया जाएगा, इसमें डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, शुद्ध वाक्य बन जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 इयर्स एगो, कोलंबस ने लगभग 500 वर्षों पहले अमेरिका या नई दुनिया की खोज की थी, केवल की नहीं की थी, की अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो केवल की, और पास्ट परफेक्ट है तो की थी, जैसे राम ने रावण को मारा पास्ट इंडेफिनिट, और राम ने रावण को मारा है प्रेजेंट परफेक्ट, राम ने रावण को मारा था ये पास्ट परफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखो यस्टरडे आपके समझ में आ गया, एगो समझ में आ गया, और एल का मतलब होगा लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे मंडे, लास्ट संडे मंडे, कुछ भी लास्ट संडे आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट शब्द का प्रयोग हो जाए, लास्ट का मतलब होता है पिछला, गत या विगत। लास्ट के स्थान पर कभी कभी पास्ट शब्द भी आता, पास्ट टू आवर्स पिछले दो घंटे, लास्ट टू आवर्स पिछले दो घंटे, अगर सेंटेंस में लास्ट या पास्ट आ रहा है तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए, तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके, एक सेंटेंस लिखो आप, आई सा, आई सा मत लिखो, आप केवल लिखो आई और खालिस्तान दे दो, आई ये दे दिया मैंने सी, ठीक है, और उसके बाद मैंने मूवी का नाम दे दिया द थ्री इडियट्स, द थ्री इडियट्स लास्ट संडे। सेंटेंस को गौर से देखो, इसमें लास्ट संडे आ रहा है, आई सी द थ्री इडियट्स लास्ट संडे, इसका मतलब इसमें लास्ट संडे का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपको यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए।